इस वीडियो में अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोना नहीं है। अरे नहीं नहीं बस। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। वीडियो में फूट फूट कर रोता हुआ शख्स समाजवादी पार्टी समर्थक है। वो अखिलेश यादव से रोते रोते ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भैया नेताजी को बचा लीजिए, जिस पर अखिलेश यादव ने उसे और बाकी कार्यकर्ताओं को चुप कराया और ढांढस बंधाते हुए कहा कि अरे अरे बस, नेताजी ठीक हो जाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार 5 दिनों से मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की सेहत में किसी भी प्रकार का सुधार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ उनके लिए दुआओं का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से मना करने के बाद भी समर्थकों का रेला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंच रहा है। वहीं गुरुवार की सुबह अखिलेश यादव जब अपने आवास से मेदांता अस्पताल के लिए निकले तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें बताया कि तबीयत में हल्का फुल्का सुधार है, सब दुआ करें। अस्पताल पर मौजूद सपा कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के लिए अपना अंग भी दान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से नेताजी के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर अगर अपने अंग भी देने पड़े तो भी हम तैयार हैं। हमारे नेताजी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, हम सब के लिए ये वक्त बहुत ही दुखद है। हम सब की दुआ नेताजी के साथ है। अगस्त से ही मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत पिछले शनिवार को क्रिटिकल हो गई थी। इसके बाद उन्हें पहले ICU फिर CCU इसके बाद दोबारा ICU में रखा गया। इस समय भी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। गुरुवार दोपहर मेदांता अस्पताल की ओर से उनका चौथा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इसमें बताया गया कि मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल है, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दी जा रही है। मुलायम की तबीयत क्रिटिकल होने के बाद से ही अखिलेश, डिंपल, शिवपाल समेत पूरा परिवार दिल्ली और गुरुग्राम में जमा है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजद प्रमुख लालू यादव अपने बेटे बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ मुलायम का हाल जानने पहुंचे थे। हालांकि अस्पताल से निकलने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव अस्पताल से कब तक डिस्चार्ज होंगे तो लालू ने कहा कि ये डॉक्टरों पर निर्भर करता है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुलायम सिंह की हालत पहले से गंभीर है, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।